ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नाउ हम एक 5 में एन होने वाला कोई भी नंबर हो, राइट, लाइक 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 75, यानी जब यूनिट प्लेस में 5 हो और कोई भी नंबर का स्क्वायर लेना हो तो उसका एक बहुत मस्त पैटर्न हम ढूंढते हैं, राइट। यहाँ पे जो समझाया है थोड़ा कम्प्लेक्स है, मैं आपको एकदम सिंपल बात करूँगा। या यहाँ पे ऐसे ही देखो, कोई भी नंबर है, देखो राइट, 25 का स्क्वायर है तो 2 ले लेने का, फर्स्ट नंबर 2 ले लेने का, राइट, और फर्स्ट नंबर 2 ले ए, बाद में ए प्लस 1 मीन्स 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6, तो ये 600 हो गया, एंड लास्ट में 5 का स्क्वायर 25, तो वो 625 हो जाएगा। लेट्स सी, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते। सी, 25 का स्क्वायर मैं क्या करूँगा, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2 के बाद 3, राइट ना, तो मैं करूँगा ये 2 × 3, दैट इज 6, यानी ये ऐसा होगा 2 × 3 100 प्लस 25, 2 × 3 × 100 प्लस 5 स्क्वायर 25, यानी 2 3 जा कितना हुआ, 2 3 जा 600 एंड प्लस 25। ऐसे ही बेस पे देखो, अब सीधा करेंगे, ये नंबर 35 स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 आने वाला है आंसर में। अभी देखो 3 के बाद कौन सा नंबर है, 3 के बाद 4, तो 3 4 जा 12, राइट, तो यहाँ पे सीधा 1200, राइट ना, प्लस ये 25 होगा, सो आंसर इज सीधा 1225। चलो ऐसे ही करेगा, 7 के बाद 8, तो 7 8 जा 56, राइट, तो यहाँ पे 5600 और 25 ऐड होगा, सो आंसर इज 5625। चलो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से सीधा यहाँ जंप करते, देखो 9 के बाद 10, 9 10 जा 90, राइट, तो ये 1900 9025, सो 90 और 25 लिख देगा, पता यहाँ आंसर आ गया। देखो अभी 125 स्क्वायर, तो 12 के बाद 13, 12 13 जा 156, तो 156 एंड 5 का स्क्वायर 25, आंसर आ गया। ये बेस पे हमें यहाँ पे दिए, देखो लेट अस डू दिस सम्स, 15 का स्क्वायर तो 1 के बाद 2, राइट, तो 1 2 जा 2 एंड ये 25, 95 का स्क्वायर तो 9 के बाद 10, राइट, तो 9 10 जा 90 एंड 5 का स्क्वायर 25, 10 105 स्क्वायर, तो 10 के बाद 11, 11 10 जा 110 एंड 5 का स्क्वायर 25, 20, 20 के बाद 21, 20 21 जा 441, राइट, 442 एंड वी हैव 25, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर है ये कोई भी, दिस अप्लाइज टू ओनली 5, व्हेन 5 इज एट द यूनिट्स प्लेस, तो आप आराम से उसका स्क्वायर अप्लाई कर पाएंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। सीधा फर्स्ट नंबर के बाद का नंबर से मल्टीप्लाई करके वो इंटू 100 करो और ये 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा, 5 का पैटर्न में ये लगेगा। ओके, अभी हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को समझते। ट्रिपलेट्स मीन्स अ कलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स और 3 नंबर्स, लेकिन एक है क्या एक्चुअली, उसको हम पहले समझते हैं। लेट अस फर्स्ट सी अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें राइट एंगल की बात है। पाइथागोरस एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, बहुत एंशियंट टाइम का, उसने ये थ्योरम दिया था। एक्चुअली ये थ्योरम इंडिया में ब्रह्मगुप्त करके एक मैथमेटिशियन ने भी दिया था। ब्रह्मगुप्त ऑल्सो हैड गिवन दिस थ्योरम। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडियन लोगों की बात कौन मानते हैं,
नहीं वो उसकी थियरम बेचारा संस्कृत की कोई किताब में खो गया था, उसका बुक था बोधायन या उसमें कुछ खो गया था, ब्रह्मसूत्र था सॉरी ब्रह्मगुप्त का, एंड बाद में पता चला कि पाइथागोरस से भी पहले उसने दिया था ये फॉर्मूला, लेकिन क्रेडिट अभी मिला पाइथागोरस को. ओके सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ये है. सी राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द हाइपोटेनस. बाकी के दो साइड है, एक बेस है दूसरा ऑल्टीट्यूड है. तो दिस इज बेस, दिस इज ऑल्टीट्यूड और ये हाइपोटेनस है. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, मीनिंग अगर मैंने यहां पे अगर लिखा जस्ट वन मिनट, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, मीन्स बाकी के दो साइड कौन सा है, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यानी ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर लो और बेस का स्क्वायर लो तो आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलता है. दिस फॉर्मूला माई फ्रेंड्स इज पाइथागोरस फॉर्मूला और पाइथागोरस थ्योरम. ये बहुत 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 काम है, काम का है. इनफैक्ट बहुत को टू द पावर आप इनफाइनाइट ले लो उतना काम का आपको पड़ेगा, बिकॉज जब भी आप ज्योमेट्री करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल आएगा आपको पाइथागोरस का काम लगने वाला है. एनी ट्राइंगल वे राइट एंगल इज फॉर्म आप पाइथागोरस को ही ढूंढेंगे. ओके तो दैट इज वाई आपको बार बार आपको ये काम आने वाला है. तो प्लीज रिमेंबर व्हेनेवर राइट एंगल ट्राइंगल कम्स आपको पाइथागोरस अंकल को याद करो. और पाइथागोरस अंकल ने क्या बोल के गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है यानी राइट एंगल के ऑपोजिट साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी के साइड का स्क्वायर का एडिशन होता है, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके प्लीज रिमेंबर दिस. तो उसके ट्रिपलेट्स यानी देखो ये तीन पॉइंट है ना, ये पॉइंट नंबर वन, ये पॉइंट नंबर टू और ये पॉइंट नंबर थ्री, यानी तीन नंबर होते हैं ना ये, तो ये ट्रिपलेट्स हमें अभी ढूंढना है. राइट एक काम करते मैं ट्राइंगल के फॉर्म से आपको कुछ ट्रिपलेट्स दिखाता हूँ. ओके सपोज आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इन माय राइट एंगल ट्राइंगल मेरा बेस है 4 सेमी, मेरा ऑल्टीट्यूड है 3 सेमी, तो मेरा हाइपोटेनस क्या बनेगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर, राइट ना. सो आई विल डू नाउ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज इक्वल टू 25, एंड 25 इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर. सो हमारा ट्रिपलेट यह बनेगा 5 ना, थर्ड टर्म इज 5. ओके चलो लेट्स डू वन मोर. सपोज आई टेक अ ट्राइंगल, आई विल टेक 6, आई विल राइट 8 हियर. तो नाउ से अगेन थिंग 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, 36 प्लस 64 इज 100, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. सो यहाँ पे थर्ड टर्म होगा 10, 6 8 10 इज अ ट्रिपलेट. तो ये ट्रिपलेट हमें याद रखना पड़ेगा, राइट. वी शुड नो 3 4 5 ट्रिपलेट है, 6 8 10 ट्रिपलेट है, 7 24 25 ट्रिपलेट है, 15 20 25 ट्रिपलेट है, बहुत सारे ऐसे है. लेकिन एक फॉर्मूला भी है टू गेट सम ट्रिपलेट, राइट. यानी Let us say I take 3 numbers. So for any natural number where m, natural number m है जो 1 से बड़ा हो, right? It should be bigger than 1. We have this formula, देखो 2m का whole square है, यानी ये हमारा a का square plus m square minus 1 का whole square, यानी plus b का square.
विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एच का स्क्वायर. सो टू टाइम्स एम, एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन विल फॉर्म अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. टू एम, एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन. ओके, सो लेट्स जस्ट थिंक ऑफ अ वैल्यू. ओके, मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे एंड आई लेट्स फाइंड सम ट्रिपलेट्स. ओके, सो ये एक टेबल मैंने बनाया. राइट, वी सॉ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर. तो मैंने ए का वैल्यू, ए को टू एम अज्यूम किया, बी इज एम स्क्वायर माइनस वन और हाइपोटेनस एच जो है वो एम स्क्वायर प्लस वन होगा. राइट, ऑलवेज दिस इज द थिंग, हमने आगे भी वो टेक्स्ट में देखा था. एम का वैल्यू के बेस पे, और एम क्या होना चाहिए, एम शुड बी बिगर देन वन, एम कैनॉट बी वन. राइट, तो एम वन से बड़ा होना चाहिए. तो एम मैंने टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लिया है. सो लेट्स से अभी एम अगर टू हो तो फर्स्ट साइड कितना होगा, टू टू जा फोर. देन एम अगर टू है तो एम स्क्वायर इज फोर, फोर माइनस वन दैट इज थ्री एंड ये फोर प्लस वन दैट इज फाइव. देखो आ गया ना, ये यू कैन सी दिस इज द दिस इज इट ना. राइट, थ्री फोर फाइव. सेम है ना, एम थ्री है तो टू एम इज सिक्स. देन एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर मीन्स थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस वन एट एंड नाइन प्लस वन टेन. देखो सिक्स एट टेन, ये आ गया हमारा ट्रिपलेट. सेम चल एम फोर लिया तो टू फोर जा एट. अभी फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन. राइट, तो सिक्सटीन माइनस वन दैट इज फिफ्टीन एंड सिक्सटीन प्लस वन दैट इज सेवनटीन. सेम वे एम फाइव लिया तो टू फाइव जा टेन. राइट, नाउ फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस वन इज ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव प्लस वन इज ट्वेंटी सिक्स. अब देखो ना, ये परफेक्ट स्क्वायर के आजू बाजू का नंबर ही होने वाला है. सिक्सटीन प्लस माइनस वन, सिक्सटीन प्लस वन, सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव माइनस वन, ट्वेंटी फाइव प्लस वन. तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, थर्टी सिक्स माइनस वन, थर्टी सिक्स प्लस वन ही होने वाला है. यू सी ना पैटर्न. चलो एन एम सिक्स लिया तो सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो फर्स्ट साइड ट्वेल्व होगा. तो ट्वेल्व होगा तो सेकंड एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर तो थर्टी सिक्स माइनस वन थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स प्लस वन इज थर्टी सेवन. चलो सेवन लिया तो सेवन टू जा फोर्टीन. अभी सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस वन फोर्टी एट एंड फोर्टी नाइन प्लस वन दैट इज फिफ्टी. सेम वे अगर एट लिया होता तो एट टू जा सिक्सटीन, एट स्क्वायर सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर माइनस वन सिक्सटी थ्री एंड सिक्सटी फोर प्लस वन दैट इज सिक्सटी फाइव. यू सी दीज आर द ट्रिपलेट्स वी नॉर्मली, हम नॉर्मली यहाँ तक हम यूज़ करते हैं. दीज आर अ वेरी कॉमन ट्रिपलेट्स, टू थ्री ये फोर टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स एट टेन एट फिफ्टीन सेवनटीन टेन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स. राइट, वी ऑल्सो यूज एट फिफ्टीन सेवनटीन, आ गया वो तो आ गया. देन ट्वेंटी फाइव का भी है कुछ, ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फिफ्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव भी है. राइट, तो दीज आर द डिफरेंट ट्रिपलेट्स. ओके फ्रेंड्स, तो ये देखो ये हमें मिला. लेट्स गो बैक टू द टेक्स्ट बुक. सो नाउ वी आर गिवन राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर एट है. देखो स्मॉलेस्ट नंबर एट होना चाहिए. तो स्मॉलेस्ट नंबर ये दो में से ही होने वाला है ना, बिकॉज यू सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर. तो एच तो कभी बड़ा छोटा होगा ही नहीं. स्मॉलेस्ट नंबर या तो ए या बी है ना, ऑल्टर या बेस है ना. तो लेट से टू एम या एम स्क्वायर माइनस वन में कोई स्मॉल है तो हमने चलो लेट से हमने एम स्क्वायर माइनस वन हमने पहले लिया और वो एम स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू एट है. स्मॉलेस्ट मेंबर एट है तो एम स्क्वायर माइनस वन इज एट. तो एम स्क्वायर इज इक्वल माइनस वन का ऑपोजिट प्लस वन, एट प्लस वन दैट इज नाइन. तो एम स्क्वायर नाइन है तो एम का वैल्यू थ्री हो गया. नाउ एम इज थ्री तो टू एम कितना हुआ, सिक्स हो गया एंड एम स्क्वायर प्लस वन टेन. एट हमारा ट्रिपलेट कौन सा बना, सिक्स एट और टेन. राइट, लेकिन स्मॉलेस्ट तो सिक्स है यहाँ पे ना, हमारा स्मॉलेस्ट होना चाहिए एट. इसका मीनिंग है एम स्क्वायर माइनस वन कैनॉट बी एट. राइट, तो ये निकल गया. तो चलो हमने टू एम को एट मान लिया, अभी टू एम को एट लिया. टू एम इज एट तो एम इज इक्वल टू टू का मल्टीप्लिकेशन में तो उसका ऑपोजिट डिवाइड बाई टू,
એટલે 8 કો ડિવાઈડ બાય 2 કિયા તો m કા વેલ્યુ 4. નાવ m કા વેલ્યુ અગર 4 હે તો m સ્ક્વેર માઈનસ 1 ઇઝ 16 માઈનસ 1 ધેટ્સ 15 એન્ડ 17. તો ટ્રિપલ કોન સે બના 8 15 17 ઇઝ 8 સબસે છોટા હે તો યે અમારો આન્સર હે. એસે હી દેખો ફાઇનલ ટ્રિપલેટ ઇન વિચ વન મેમ્બર ઇઝ 12. દેખો કોઈ એક મેમ્બર 12 હે તો ચલો m સ્ક્વેર માઈનસ 1 કો 12 લિયા તો m સ્ક્વેર 13 લિયા લેકિન 13 તો પરફેક્ટ સ્ક્વેર હે હી નહીં તો યે નહીં ચલેગા ના. ओके वो इंटीजर नहीं होगा, वो तो फ्रैक्शन में आने वाला है. चलो छोड़ो, तो अभी हम एम स्क्वायर प्लस वन को 12 लेंगे. चलो एम स्क्वायर प्लस वन अभी 12 लिया तो अगेन एम स्क्वायर 11 हो गया, ये भी नहीं चलने वाला है बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो छोड़ो. तो अभी हम क्या लेंगे, 2m को 12 लेंगे तो एम सिक्स. इफ एम इज सिक्स, एम स्क्वायर माइनस वन इज 35 एंड एम स्क्वायर प्लस वन इज 37. तो 12 35 37 ट्रिपलेट है तो वो बराबर है. ओके नाउ फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. क्या यहाँ पे क्या करने का है, 32 का स्क्वायर, राइट? कैसे करेंगे आप ट्राई करो. हम क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर. देखो 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ ना, तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 टाइम्स 30 इंटू 2, 32 प्लस 60, 60 इंटू 2 120, एंड 900 प्लस 120 कितना होगा 1020, एंड ये 2 का स्क्वायर 4 एट 1024. 35 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 के बाद 4 आता है, 3 4 जा 12 और ये 25 हुआ. 86 को हम 90 माइनस 4 करेंगे या 80 प्लस 4 6 करो और उसका स्क्वायर ढूंढो. हमने जो आगे किया अप्लाई करो, सेम थिंग राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6. तो या तो 2m को 6 लो तो m3 आ गया, m3 है तो बाकी का ढूंढ लो, राइट? आपको परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, या वो नहीं आया तो m स्क्वायर माइनस 1 को 6 लो या m स्क्वायर प्लस 1 को 6 लेके देख लो. पर एम स्क्वायर माइनस वन या एम स्क्वायर प्लस वन में सिक्स नहीं आएगा, टू एम ही इसमें आने वाला है. तो ऐसे करके आप ट्राई करो ये सम्स, अब दिस यूज योर माइंड लिटिल बिट एंड ट्राई टू डू दिस सम्स. ओके इजी सम्स, ज़्यादा हार्ड नहीं है वो. ओके चलो वी फिनिश्ड दिस थिंग्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट स्क्वायर रूट्स. एक पूरा नया टॉपिक अभी है स्क्वायर रूट्स, वो हम अगले वीडियो में ढूंढ लेंगे. बाय.